आज हम क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। जिन क्वेश्चंस को करने के बाद आप अपने एग्जाम को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो कुछ से लिमिटेड क्वेश्चंस को हम लेंगे जो ब्रीफ में आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इनसे आपका रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि न्यूमेरिकल आपका किस तरीके का बनता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि सीरीज में और पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस का पता है कि क्या होता है, कि सीरीज में रेजिस्टेंस आपका होगा R1+R2+R3 और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस रहेगा 1/RP = 1/R1+1/R2+1/R3। अगर आपको तीन रेजिस्टेंस रखे हैं तो इनका सीरीज और पैरेलल में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जिसकी हेल्प से आप ये फाइंड आउट करेंगे कि कैसे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे आपका क्वेश्चन गिवन है, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। ये हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, ये रेजिस्टेंस गिवन है, ये पॉइंट ए दे रखा है आपको, ये पॉइंट बी गिवन है, ये आपको 15 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, 15 ओम, दिस इज आल्सो 15 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज 10 ओम रेजिस्टेंस, तो 10 ओम रेजिस्टेंस ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है। तो आपको फाइंड करना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या रहेगा अक्रॉस ए एंड बी, ए बी के अक्रॉस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इन तीनों का आप दिखाई दे रहा है कि ये देखो ये रेजिस्टेंस हमारे पास जो है इसका एक एंड, इस वाले रेजिस्टेंस का एक एंड और इस वाले रेजिस्टेंस का एक एंड एक ही जगह पे कनेक्ट है, एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस आपके किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो 15 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे पैरेलल में, तो इनका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालें तो 1/R1 = कितना हो जाएगा, 1/15 + 1/15 + 1/15। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 3/ कितना आ जाएगा, 15, और ये वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने पे 1/5। तो 1/5 आ गई, तो रेजिस्टेंस R1 जो आएगा वो कितना आ गया, 5 ओम आ गया। रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू आ गई 5 ओम। मैंने रेजिस्टेंस R1 इसको नाम दिया है जो 15 ओम के तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं। अब ये जो सर्किट है इसको आप चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस है कि ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया एक रेजिस्टेंस, ये हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 5 ओम का, तो 5 ओम रखेंगे। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम का है तो 10 ओम रखेंगे, यहाँ पे 10 ओम है तो 10 ओम रखेंगे। अब ये सभी रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में या पैरेलल में, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आपके किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा सीरीज में RS रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको R2 से रिप्रेजेंट किया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10+5+10, तो यहां से आंसर आ जाएगा 25 ओम। तो इस तरीके से आप एक सिंपल क्वेश्चंस को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज एंड पैरेलल में सोल्ड आउट कर सकते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं, ये आपको रेजिस्टेंस गिवन है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये रेजिस्टेंस आपको गिवन है 1 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम, ये 3 ओम रेजिस्टेंस गिवन है, ये 3 ओम गिवन है आपको, ये भी 3 ओम गिवन है, ये आपको 9 ओम गिवन है, ये भी 9 ओम गिवन है, ये भी 9 ओम गिवन है। तो आपको इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसके अक्रॉस, पॉइंट ए एंड बी के अक्रॉस क्या रहेगा वो आपको निकालना है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई देखो, यहाँ पे आपको ए और बी के अक्रॉस निकालना है रेजिस्टेंस, तो ए और बी के अक्रॉस निकालना है। तो ये देखो, ये 9 ओम का रेजिस्टेंस है, ये अगर मेरे पास वायर ऐसे कनेक्ट होती है इस तरीके से, अगर ये वायर ऐसे कनेक्ट होती तो हम सिंपली तीनों को ऐड कर देते क्योंकि सीरीज में हो जाते, लेकिन यहाँ पे आपको ये क्या दे रखा है, ये नेटवर्क आगे तक प्रोसीड कर रखा है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखे हैं। तो ऐसे हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे, हम पहले इस वाले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सर्किट कैसे रिड्यूस होगा और इस फॉर्म में आप कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये तीनों रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस 1 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस, दीज आर कनेक्टेड इन द सिंगल वायर, एक ही वायर के अंदर ये कनेक्ट है। तो इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों का कितना आएगा, R1 = 1+1+1, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 की वैल्यू आ गई 3 ओम, तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस आ गया।
यानी कि आप इस सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सर्किट आपका रिड्यूस होकर के किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, दिस इज 9 ओम, दिस इज आल्सो 9 ओम, ये भी आपका 9 ओम है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज 9 ओम, ये जो रेजिस्टेंस आपका ये 3 ओम है, ये रेजिस्टेंस आपका 3 ओम है, ये रेजिस्टेंस आपका 3 ओम है, और ये तीनों रेजिस्टेंस आपके क्या हो गए 3 ओम, क्योंकि 1+1+1 ऐड करेंगे तो ये टोटल रेजिस्टेंस आपके हो गए 3 ओम, तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, मींस आपने इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया गया 3 ओम रेजिस्टेंस से। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस 3 ओम और 3 ओम रेजिस्टेंस जो है, ये तीनों दोनों रेजिस्टेंस आपके किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में कनेक्ट है तो रेजिस्टेंस का आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर मैं R2 निकालूं, इसको R2 नाम दूं, तो R2 वैल्यू क्या आएगी, 3 × 3 / 3+3, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6, 3 × 3 9 डिवाइड बाई कितना आ गया 6, तो सोल्ड आउट करेंगे तो 3/2 ओम आ जाएगा, यानी कि 3 × 3 / 3+3, तो इस तरीके से आपने सोल्ड आउट किया तो 9/6 आ गया, 3/2 आ गया, तो 3/2 ओम रेजिस्टेंस इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करने के बाद आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया तो हम इसको अब कैसे सोल्ड आउट करेंगे, यहां पे टोटल रेजिस्टेंस 3/2 आया है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, दिस रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3/2 ओम, 3/2 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका इसमें 3/2 ओम हो गया है। अब हमारे पास ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें हो जाएंगे, ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें हो जाएंगे, सीरीज के अंदर। अब R3 में निकाल लेता हूं तो R3 रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू 3 + 3/2 + दिस इज आल्सो इक्वल टू 3, तो R3 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2, 6 + 3 + 6, तो ये कितना आ गया 15 / 2 आ गया। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस तीनों का सोल्व करने के बाद 3 ओम, 3 ओम और 3/2, इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया 15/2, तो इन तीनों को आप रिमूव करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इन तीनों पे रेजिस्टेंस को रिमूव करके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहेगी 15/2 ओम रहेगी, ये 15/2 ओम रहेगी, ये रेजिस्टेंस आपका आ गया है। अब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस R4 निकालते हैं, तो आपको इतना पता चल गया है कि स्टेप टू स्टेप कि यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में हो जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस अब आ जाएगा R4, R4 की वैल्यू क्या आएगी 9 × 15/2 / 9 + 15/2, इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 135 / 2 / ये आ जाएगा 18 + 15 = 33 / 2, और इसको सोल्ड आउट किया तो 135 / कितना आ गया 33 ओम आ गया, ये रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया R4 रेजिस्टेंस आ गया, R4 रेजिस्टेंस का मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्ट थे तो उनका रेजिस्टेंस कितना आया है 135/33 ओम। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के नाम का एक ही रेजिस्टेंस लगा लेते हैं और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 135/33 ओम, तो इस तरीके से आप इसको सोल्ड आउट करेंगे तो हमारे पास फाइनली रेजिस्टेंस कितना आएगा, फाइनली जो रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास वो कितना रहेगा, वो हमारे पास R5 की वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, अब देखो ये तीनों जो रेजिस्टेंस है वो आपस में सीरीज में कनेक्ट हो गए तो R5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 + 9 + 135/33, इसको हम सोल्ड आउट करेंगे तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 एलसीएम ले लें और 33 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड में 1 है, ये डिवाइड में 1 है तो 33 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 297 आ गया एक के लिए, 33 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 297 + 295, तो ये रेजिस्टेंस आपका R5 हो गया है, तो रेजिस्टेंस R5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 × 5 = 19, 19 × 4 = 9, 13 × 9 = 22 और आ जाएगा तो ये आ जाएगा 7, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस आपका इतनी फॉर्म में आ जाएगा, R5 की वैल्यू आ जाएगी 729/33 ओम, तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हम क्वेश्चन कर लेंगे जिससे रिलेटेड आपका ये सीरीज और पैरेलल के कम्बिनेशन के क्वेश्चन आप सोल्ड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जूल हीटिंग लॉ से रिलेटेड, तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जूल हीटिंग लॉ से रिलेटेड, जूल हीटिंग लॉ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा रहे हैं हीटिंग लॉ।
जूल सिटिंग लॉ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है आपका? आपको ये पता है कि जूल सिटिंग लॉ के अंदर क्या होता है, जब किसी वायर के अंदर से करंट जाता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो हीट आती है कितनी, आई स्क्वायर आर टी एंड यही हीट आपकी होती है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वी आई टी। ये आपने हीट के फॉर्मुले पढ़े हुए हैं जो आपके न्यूमेरिकली हम इनको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं जूल सिटिंग लॉ। अब क्वेश्चन कैसे है, जैसे आपको ये दे दिया गया कि हमारे पास ये 5 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है और इसको सेल से कनेक्ट कर दिया गया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया गया जिसकी वोल्टेज गिवन है आपको 6 वोल्ट, जिसकी वोल्टेज आपको गिवन है 6 वोल्ट और 5 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपको फाइंड करना है फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी ये निकालनी है आपको, तो 5 सेकंड के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो निकालनी है। तो हीट का फॉर्मूला आपको पता है आई स्क्वायर आर इंटू में क्या होता है टी होता है, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी है तो इसमें आपका आर गिवन है, टाइम गिवन है बट आई गिवन नहीं है, तो आप इसमें फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, आई इज इक्वल टू सिंपली क्या लगा लेंगे वी बाई आर लिखेंगे तो वी की वैल्यू आपको 6 गिवन है और आर की वैल्यू कितनी गिवन है 5 गिवन है, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हीट की वैल्यू क्या आएगी 6/5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, टाइम कितना गिवन है 5 ओम है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 36/25 इंटू में 25 से 25 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया 36 जूल आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन बन सकता है, या आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, या आपके 2% गिवन है तो 1.5 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन बन सकता है जिसमें हीट निकालनी होगी, तो हीट की वैल्यू आ जाएगी 36 जूल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डिफाइन कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर आपको क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है या आप इसको बोल सकते हैं किलोवाट आवर, यानी कि आपको ये पता है किलोवाट आवर जो होती है वो किसकी यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होगा ये कमेंट करके बताएंगे कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होगा ये कमेंट करेंगे। तो यूनिट आपकी जो होगी ये हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ यूनिट्स को निकालेंगे, नंबर ऑफ किलोवाट आवर को निकालेंगे इन द इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपको किलोवाट आवर में निकालनी है, यूनिट के अंदर निकालनी है, और पर यूनिट कॉस्ट निकाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, टोटल पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय क्या रहेगा, 1000 रहेगा। तो ये नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। जैसे आपको मैं क्वेश्चन लिख करवाता हूँ कि मेरे पास ये 100 वाट का कोई बल्ब है, 100 वाट का क्या है, बल्ब है। ये 100 वाट का बल्ब जो है ये 2 आवर्स, सॉरी इसको हम ले लेते हैं 5 आवर्स यूज कर रहे हैं, 5 आवर्स इसको यूज कर रहे हैं, 100 वाट का बल्ब है इसको 5 आवर्स यूज कर रहे हैं और फॉर 30 डेज हमने इसको यूज किया, 30 डेज इसको यूज किया, तो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकालेंगे इसके लिए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो आएंगी वो किसके इक्वल रहेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल पावर देखो आपको कितनी गिवन है, 100 वाट गिवन है, तो 100 वाट गिवन है तो टोटल पावर इन वाट आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल टाइम कितना गिवन है, 5 आवर्स गिवन है तो 5 आ जाएगा और डिवाइड में, लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम 5 आवर्स दे रखा है कितने डेज के लिए, 30 डेज के लिए, तो एक दिन के लिए आपका 5 आवर्स है पर डे, तो 30 डेज के लिए कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, तो 5 × 30 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 5 से 10 पे चला गया, 10 से कितना आ गया 15, तो हमारे पास कितनी यूनिट आ जाएगी, 15 यूनिट्स आ जाएंगी, तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी वो 15 यूनिट्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू 15। अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है, सपोज किया 1 यूनिट कॉस्ट दे रखी है, 1 यूनिट कॉस्ट दे रखी है, सपोज किया 5 रुपीज दे रखी है, तो टोटल आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, तो 15 यूनिट्स के लिए जो कॉस्ट आएगी, 15 यूनिट्स कॉस्ट जो आएगी वो कितनी रहेगी, 5 × 15 मीन 75 क्या जाएगा, रुपीज। तो बेसिकली आप ये क्वेश्चन ऐसे निकाल सकते हैं, हो सकता है आपको 2-3 पावर इकट्ठी दे रखी हो और उनमें अलग अलग टाइम पीरियड गिवन हो, तो आप उसमें क्या करेंगे, पर डिवाइस के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल करके ऐड कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो सकता है।
बस आपको पता होना चाहिए कि किलोवाट आवर जो होता है वो क्या होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालते हैं। सिंपली इसका कोई फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वीआईटी होता है, वीआईटी होता है तो ई इज इक्वल टू वीआई जो होता है इसको क्या लिखते हैं, पावर, पावर मल्टीप्लाई बाई क्या है, टाइम। बस पावर को किलोवाट में लेना है और टाइम को आवर्स में लेना है, तो हम इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, सोल्ड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल सकते हैं। इस तरीके का टॉपिक आपका दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, एक वायर आपको गिवन है और इस वायर का जो रेजिस्टेंस गिवन है आपको, ये वायर हमारे पास, इस वायर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम और इस वायर की जो लेंथ गिवन है वो गिवन है लेंथ आपको एल, ओरिजिनल लेंथ एल गिवन है। इस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करने से जो हमारे पास, इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप, इस वायर को आपने स्ट्रेच कर दिया तो इसकी लेंथ जो थी वो बढ़ा दी और लेंथ मान लिया जाए सपोज किया इसकी आपने 3L कर दी है, यानी कि फाइनल जो लेंथ आई है वो 3L हो गई है, तो इसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, सेम वायर यूज की गई है। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या के क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टिविटी के ऊपर, अगर इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस दिस वन और जब इसको स्ट्रेच कर दिया तो ये रेजिस्टेंस आपको बताना है और साथ में उसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेजिस्टिविटी का आप कंसेप्ट मुझे बता सकते हैं और इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे मुझे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, लेंथ आपकी 3 टाइम्स हो गई है, रेजिस्टेंस न्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप दो कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है, ये वन मार्क्स में क्वेश्चन दे रखा है, तो सिंपली आप आर डैश में निकालेंगे एन स्क्वायर इनटू में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे एन क्या है, एन क्या, देखो ये लेंथ एल है और ये लेंथ हमारे पास कितनी हो गई, 3L हो गई, तो ये लेंथ आपकी 3 टाइम्स हुई है, तो जो ये नंबर है ये एन है, ये 3 है हमारे पास, तो ये 3 का स्क्वायर कर देंगे और इंटू में आर, तो सिंपली कितना आ गया 9R, और 9R को लिखेंगे तो 9 इंटू में आर कितना है 10, तो सिंपली कितना हुआ 90 ओम हो गया। तो रेजिस्टेंस जो फाइनल आएगा वो कितना आ जाएगा 90 ओम, अगर वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर आर इंटू ये वैल्यू आई है। लेकिन अगर आप इसको अलग तरीके से करते हैं, कंप्लीट सोल्ड आउट करते हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, इसका एरिया मान लिया A है, इसका फाइनल एरिया कितना हो गया A डैश हो गया, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए लिखेंगे और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा R डैश वो कितना आ जाएगा रो इंटू एल डैश बाई कितना आ जाएगा A डैश आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे तो रो इंटू में L डैश कितना हुआ 3L, डिवाइड में कितना आ जाएगा A डैश, दिस इज R डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को सपोज क्या, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो R बाई R डैश कितना आ जाएगा रो L बाई A डिवाइड बाई रो 3L बाई कितना आ जाएगा A डैश आ जाएगा, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई क्या A डैश बाई 3A, A डैश बाई 3A, यही वैल्यू आई हमारे पास 1 बाई ए इंटू में ए डैश बाई 3, तो ये 1 ए डैश बाई 3A आ गई ये वैल्यू। अब आपको इसकी वैल्यू अगर पता हो, ए डैश बाई ए की वैल्यू पता हो, तो हम ये रिलेशन और इजी हो जाएगा। तो ए डैश बाई ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ए डैश बाई ए की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का वॉल्यूम सेम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको खींचोगे तो लेंथ बढ़ गई तो डायमीटर भी तो कम होगा, उसका रेडियस भी तो कम होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ इज इक्वल टू ए डैश मल्टीप्लाई बाई क्या रहेगा एल डैश। तो एरिया ए है, लेंथ एल है, एरिया ए डैश है और लेंथ कितनी है 3L है, तो 3L रख देंगे यहाँ पे, तो ये L से L कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए डैश बाई ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 बाई 3 आ गई। इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो 1 बाई 3 इंटू में 1 बाई 3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 9, यानी कि R बाई R डैश का रेशो, R बाई R डैश का रेशो कितना आया है 1 बाई 9 आया है, बट R इज गिवन 10 ओम, तो 10 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई 9 और R डैश वैल्यू कितनी आ गई 90 ओम। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल सकता है, यहाँ से आपको ये सोल्ड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करेंगे हम।